हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। शीशों पर लगे दाग धब्बे मिनटों में हटाएं 5 घरेलू चीजों से। घर में लगे शीशों पर दाग धब्बे लगना एक सामान्य समस्या है, लेकिन शीशे से दाग धब्बे हटाना थोड़ा मुश्किल काम है। शीशों पर लगे यही दाग घर की खूबसूरती को खराब कर सकते हैं। कई बार हम इन दाग धब्बों को सर्फ या फिर शैम्पू से साफ कर देते हैं, जिससे कांच साफ होने के बजाय धुंधला और गंदा हो जाता है, जो देखने में खराब लगता है। आज हम आपको कुछ ऐसे आसान घरेलू टिप्स बताएंगे, जिनकी सहायता से आप घर के खिड़की, दरवाजे, ड्रेसिंग टेबल और बाथरूम आदि के शीशे की चमक वापस ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं शीशों को साफ करने के इन घरेलू तरीकों के बारे में। अखबार गंदे शीशे को साफ करने का बहुत पुराना और सबसे आसान असरदार तरीका है। इसके लिए अखबार को पानी में डालकर बॉल बना लें। अब इसे शीशे पर राउंड शेप में घुमाएं। ये शीशे पर लगे सभी तरह के दाग धब्बों को आसानी से साफ कर देगा। नमक तो सभी घरों में होता ही है, ये खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ ही घर की सफाई के काम भी आता है। शीशे के दाग धब्बों को साफ करने के लिए नमक पानी के मिश्रण से शीशे को साफ करें, इससे शीशा आसानी से साफ हो जाएगा। बेकिंग सोडा लगभग सभी घरों में आसानी से मिल जाता है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ खाना बनाने में किया जाता है, बल्कि शीशे को साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। कांच पर लगे दाग साफ करने के लिए बेकिंग सोडे को पानी में मिलाकर स्पंज या फिर किसी साफ कॉटन के कपड़े से शीशे को साफ करें। इसके इस्तेमाल से शीशा चमक उठेगा। नींबू का रस। नींबू गंदे शीशों को साफ करने का एक बहुत अच्छा घरेलू तरीका है। नींबू के रस में पानी मिलाकर सूती कपड़े से शीशों की सफाई करने पर गंदे शीशे तो साफ किए जा सकते हैं, साथ ही इससे शीशे चमकदार भी हो जाते हैं। सिरका। शीशे पर लगे दाग धब्बे छुड़ाने के लिए सिरका बहुत ही फायदेमंद है। शीशे की गंदगी साफ करने के लिए सिरके को शीशे पर स्प्रे करें और साफ कपड़े से पोंछ दें, इससे गंदा शीशा एकदम साफ हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों, तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।